हाय करण, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन योर पीटीआर। थैंक यू सर। करण, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन इन एचपीसीएल, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस महारत्ना कंपनी और वंडरफुल जॉब अपॉर्चुनिटी। और मैं आज आपसे इंटरेक्शन करूंगा, जानने की ट्राई करेंगे आपका पूरे का पूरा जो जर्नी है यहाँ तक का, सिलेक्शन तक का। एंड इस इंटरेक्शन का जो मेन पर्पज है करण, दैट इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स जो एचपीसीएल ज्वाइन करना चाहते हैं। और आप जानते हैं एचपीसीएल एक बहुत बड़ा रिक्रूटर है और एक बेस्ट एम्प्लॉयर है। तो बहुत सा स्टूडेंट ऐसा है जो एचपीसीएल जाना चाहता है, और एचपीसीएल में एक रिटन एग्जाम होता है जो अलग से लेते हैं, फिर ग्रुप टास्क होता है, इंटरव्यू होता है। आपने वो सारा रास्ता ट्रेवल किया है और एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, तो मैं आपसे वो सारे के सारा इन्फॉर्मेशन लूंगा। एंड इट विल श्योरली मोटिवेट मेनी स्टूडेंट्स टू परस्यू दिस जर्नी और मेहनत करें और वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। सो आई स्टार्ट करंट विद योर बैकग्राउंड। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया, और आपका इनिशियल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक आपने कहाँ से किया, और बीटेक के बाद एचपीसीएल तक की सिलेक्शन तक की जो जर्नी थी वो आपकी कैसी रही? ओके सर, सर आई ऑलरेडी मेंशन माय नेम इज कर्मपाल यादव। आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम माय होम टाउन सीकर, एंड आफ्टर दैट आई अपीयर्ड फॉर आईआईटी जेई एंड गो टू आईआईटी जम्मू। सो आफ्टर डूइंग माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी जम्मू आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर पीएसयूज सिंस 2020। सो इट्स हैड बीन 3 ईयर, एंड इन 2023 आई क्लियर द रिटन टेस्ट ऑफ एचपीसीएल। So, आपका 2020 में आपका जम्मू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया, यस सर। राइट? सो 2020 से बाद तक की जो जर्नी थी उसमें आप कर्म क्या कर रहे थे? आपने कोई जॉब भी किया या ओनली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स? सर मैं एक्चुअली प्रिपेयर ही कर रहा था, पर मेरे साथ एक इश्यू हो गया था, हेल्थ का इश्यू आ गया था बीच में। ऑल ऑफ माय कलीग्स वो ऑलरेडी पीएसयू में पहले से हो चुके थे, तो मैं ही एक इकलौता बच्चा था, तो एक प्रेशर भी बन रहा था, लेकिन वो हेल्थ की वजह से मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था मेरे को। क्योंकि वो टाइम था जिसमें कोविड चल रहा था, जब आप पास आउट हुए होंगे तो 2020, 2021 उसमें कोविड आ रहा था काफी ज्यादा, और वो भी एक रीजन रहा होगा शायद। यस सर। अच्छा, फिर आपने करण जो एचपीसीएल का एग्जाम था ये कब लिखा था? 2023 में लिखा था आपने? नहीं सर, फर्स्ट टाइम मैं 2021 में अपीयर हुआ था, लेकिन मैं इतना प्रिपेयर नहीं था उसके लिए। मेरे को सिलेबस का ध्यान नहीं था, कैसे फिर मतलब स्ट्रेटजी क्या अपनानी है उसके लिए। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि जैसे कैसे क्रैक करना है, गेट से काफी डिफरेंट होता है, मतलब ज्यादा ऊपर ऊपर से उठाते हैं लोग। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो मेरे ख्याल से आप इसका अच्छा आंसर कर सकते हैं। स्टूडेंट ये बोलता है कि साहब मेरा जो गेट में रैंक तो अच्छा आया नहीं, मेरा तो रैंक 2000 से नीचे था, 4000 से नीचे है, या गेट में बहुत ही कम स्कोर है, तो एचपीसीएल में मेरा कैसे हो जाएगा अगर गेट में नहीं हुआ? आप इसका क्या आंसर करेंगे? सर इसका सिंपल आंसर है कि गेट एचपीसीएल के जो रिटन टेस्ट है वो काफी डिफरेंट हाँ जी, है। जो गेट जो होता है वो मोर डेप्थ न्यूमेरिकल पे बेस्ड होता है, जबकि एचपीसीएल आपकी थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड होता है, तो एमसीक्यू होते हैं वो प्रॉपर से उठाते हैं वो लोग। ओके okay. तो आप स्टूडेंट को जो गेट वगैरह की तैयारी, तो देखो हर स्टूडेंट करता है, तो क्या आप स्टूडेंट को कोई स्ट्रेटजी दे सकते हैं एचपीसीएल की तैयारी जब करें तो किस तरीके से करें? सर मेरा एक्चुअली मेन फोकस गेट पे ही था। मैंने अभी जो गेट का 2024 दिया है, मेरी ऑल इंडिया 141 रैंक है ऑलरेडी, तो मेरा मेन वंडरफुल। फोकस गेट पे ही था। आप ऑलरेडी मेरे कंसेप्ट जो था ऑलरेडी क्लियर थे, अगर गेट हाँ की जी, प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एचपीसीएल का ऑलरेडी निकाल सकते हो इजीली। मतलब अगर तैयारी करो, लेकिन पैटर्न रिटन एग्जाम का पैटर्न अलग है। पैटर्न अलग है, बेसिक बेसिक पूछते हैं एचपीसीएल में, जबकि गेट में डेप्थ में जाते हैं न्यूमेरिकल स्किल। दूसरी बात, मेरे ख्याल से एचपीसीएल में ऐसा भी है कि 50% जो है वो नॉन मैकेनिकल या नॉन टेक्निकल है, तो जैसे उसमें यस और सर, भी आता है, जैसे 85 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल है शायद, तो स्टूडेंट्स को वहां पे भी प्रिपरेशन करना है, जैसे इंग्लिश आ जाता है उसमें या रीजनिंग आ जाता है उसमें, तो वो भी एक पार्ट है करण। तो कितना मंथ आपको हाँ इसके लगता लिए है सफिशियंट टाइम देता हूँ सर। हाँ जी, ऑलरेडी मैं अपने स्टडी में से कुछ टाइम निकालता था इंग्लिश के लिए सर, उसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बीच में मैंने कुछ बैंकिंग के पीओ एसबीआई पीओ इनके एग्जाम भी दिए थे, तो मेरा ये पार्ट क्वांटिटी वाला एप्टीट्यूड वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था। अच्छा आपको क्या लगता है कितना टाइम सूटेबल है कैंडिडेट को ये एग्जाम निकाल देने के लिए? जैसे अभी सर आई थिंक एचपीसीएल का नोटिफिकेशन आया है, तो स्टूडेंट्स का ये भी है कि साहब कितना टाइम, अभी एग्जाम कितना टाइम के बाद हो सकता है? नॉर्मली 21, 22, 23 में हम देखें तो 4-1 मंथ मिल जाते हैं नोटिफिकेशन के बाद, तो इस बार कितना टाइम मिल सकता है और कितना टाइम सफिशियंट है मेरे को एग्जाम निकालने के लिए, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं?
सर आई थिंक 4 to 5 month काफी सफिशियंट टाइम है अगर फुल फोकस किया जाए एक ही एग्जाम पे। हाँ जी इतना ज्यादा हार्ड होता नहीं है, अगर आपकी बेसिक ऑलरेडी पहले से क्लियर है तो 4 to 5 month कुछ ज्यादा है वो टाइम आपके पास। 4 to 5 months में हो जाना चाहिए। यस सर। अच्छा, आपने आईटी जम्मू से ग्रेजुएशन किया है, करण कैसा है था आपका स्टे? क्योंकि जब कोविड लगा तब तक आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तो आप मैं आई प्रिज्यूम के आप 3-4 साल जम्मू कैंपस में रहे हैं, तो कैसा था आपका वहां पे स्टे? सर कैंपस काफी ब्यूटीफुल था, नेशनल हाईवे के बगल में बनाया गया था, लेकिन हमारा क्या हो गया था कि कोविड के टाइम पे हमें 2 3 चीजें में हमें बैग बैग पर रहना पड़ा, इंटर्नशिप नहीं कर पाए थे हम, और इसके साथ साथ हमें जो प्लेसमेंट का है उसका भी इश्यू आया था। कोर कंपनीज कोविड के टाइम पे आ नहीं रही थी, तो मुझे एक जॉब मिली भी थी 60,000 के आसपास और डाटा एनालिसिस की, मुझे सुटेबल नहीं लगा वो जॉब, इसलिए मैंने वो छोड़ के पीएससी प्रिपरेशन को प्रेफर करना ज्यादा सही समझा। तो उस टाइम पे कोर की प्लेसमेंट थोड़ी कम हुई थी, और फिर आपने सोचा कि पीएसयू में चलते हैं एंड वी गो फॉर दैट। यस सर। करण, अब देखो एचपीसीएल एक ऐसा एग्जाम है जो मैं आप जैसे कैंडिडेट से डिस्कस करता हूँ, तो ये पता लगता है कि अगर रिटर्न एक बार निकल जाए तो उसके बाद चांस होता है कि आप फाइनली सिलेक्ट हो सके, चाहे आपका कट ऑफ के ऊपर ही है। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चों से मैं बात कर चुका हूँ जो कट ऑफ के ऊपर रिटर्न निकालते हैं लेकिन फाइनली वो सिलेक्ट हो भी जाते हैं। आगे दो स्टेजेस होती हैं, एक ग्रुप टास्क होता है और एक इंटरव्यू होता है। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें डिटेल में थोड़ा बताएं, ग्रुप टास्क आपका और इंटरव्यू जो हुआ था, तो पहले हम ग्रुप टास्क के बारे में बात करेंगे कि आपका जो जीटी हुआ था तो कैसे गया था, क्या टॉपिक था, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं, और कितने कैंडिडेट आप में थे वहां पे, और कितने कैसे कैसे सारे के सारा हुआ था ग्रुप टास्क आपका। मेरा जो इंटरव्यू था वो जयपुर सेंटर पे था, 27 बंदे आए थे टोटल, तो हमारा जो जीटी के अंदर था हाफ बंदे बाहर हो गए थे पहले ही, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था ना, क्योंकि मैंने प्योर पीडिया का पहले से कोर्स ले रखा था, तो मेरे को शुरू के 2 3 सेशन तो ये समझने में लगे कि मुझे फिट कहाँ होना है, मुझे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, तो मुझे काफी हेल्प किया था। और मेरे सर एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जीटी में ना 5 में से 4.53 नंबर है, जबकि इंटरव्यू मेरे काफी कम नंबर थे, तो मैं जो अच्छा क्वालिफाई किया हूँ जीटी की वजह से किया था मतलब। अच्छा वंडरफुल। ओके, तो आपके 4.5 थे आउट ऑफ 5 ग्रुप टास्क में, 4.53 थे सर। हाँ यस सर। तो आप बहुत अच्छे एक तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं स्टूडेंट्स को करण। क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को मेंटर करने का ग्रुप टास्क वगैरह में, और मैं हम लोग ये जब से एग्जाम इनिशिएट हुआ है एचपीसीएल का 2021 से, तब से योरपीडिया एक मेन प्लेटफॉर्म रहा है जिसपे स्टूडेंट्स ग्रुप टास्क वगैरह की तैयारी करते हैं। तो ग्रुप टास्क में मेरे को ये लगता है करण कि बहुत बच्चा ऐसा जाता है एचपीसीएल के इंटरव्यू में जो लाइफ का पहला ग्रुप टास्क वहीं दे रहा होता है अंदर जाके, और उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है जीटी वगैरह की। और ये रीजन है कि जैसे आपने बताया कि आप आईआईटी जम्मू के ग्रेजुएट हैं, कैपेबल हैं, देखो कितने, आपको भी 3-4 सेशन ये समझने में लगे कि कहाँ एंटर करना है, कहाँ कैसे बोलना है, क्या करना है, और आपने बहुत जल्दी उसको क्वायर करके फिर 4.53 मार्क्स लिए भी। तो आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ सुन रहे हैं उनको आप ग्रुप टास्क के बारे में जरूर थोड़ा सा बताएं, ये होती क्या चीज है, मैं तो बताता ही रहता हूँ, आपके टर्म में क्या चीज होती है, और आपका जो ग्रुप टास्क वहां हुआ था उसमें टॉपिक क्या दिया गया था आपको, और कैसे आपने इनिशिएट किया था, थोड़ा वो डिटेल में अगर आप बता पाए। सर एक ग्रुप टास्क बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हो और आप हाफ में बाहर, आप हाफ बंदे बाहर निकलते हो, उसमें बाहर हो जाते हो, तो आपको काफी दुख होता है, तो इसकी पहले से प्रिपरेशन करना आपके लिए फायदेमंद रहता है। और मैंने काफी बंदे देखे हैं सर, जो हमें ग्रुप टास्क के जाने से पहले हमारा जो ग्रुप बना था वो डिस्कस कर रहे थे कि मैं ये टॉपिक बोलूंगा वो टॉपिक बोलूंगा, इंट्रोडक्शन मैं करूंगा, लेकिन वहां जाने के बाद जो बंदा इंट्रोडक्शन करने वाला था वो बोल ही नहीं पाया था, तो उसे एक दूसरा बंदा बोल गया था क्योंकि उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस थी। तो हमारे ग्रुप में से 8 बंदों में से 3 ही बंदे सिलेक्ट किए थे उन्होंने, तो वो भी वही सिलेक्ट किए थे, एक प्रोडक्शन दिया था मैंने, उसका फिनिश किया था लास्ट के अंदर, जो कंक्लूजन था वो दिया था मैंने, और अच्छे पॉइंट भी बोले थे काफी ज्यादा मैंने, जो की वर्ड थे वो आपकी जीटी के दौरान मैंने सीख लिए थे कि कौन कौन से टेक्निकल वर्ड है, कहाँ यूज करने हैं, क्यों यूज करने हैं, तो एक्स्ट्रा मैंने बोला नहीं था। और सर जीटी का हमारा जो टॉपिक था वही था कि कोई एक बेवरेज कंपनी है लोकल मार्केट के अंदर, उसको अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है और साथ में अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी भी अपनानी है, कैसे ग्रेटर पब्लिक तक रीच करना है उनको, तो ये वाला टॉपिक था हमारा। तो इसमें हम काफी अच्छे अच्छे पॉइंट दिए थे हमने कि हमें कल्चर फेस्टिवल
हम ऑर्गेनाइज करेंगे, लोगों को इंगेज करेंगे, मोर मोर इमोशनली इंगेज करेंगे, साथ साथ में हम सप्लाई चेन वगैरह ये सब सारे टॉपिक आपने बताए थे, कीवर्ड मैंने नोट कर रखे थे, तो मैंने अच्छे से अच्छे बोले थे। और बंदों को तो मतलब मैंने बंदे को उनको पता नहीं था कि क्या बोल रहा है, मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहे थे तो उनको समझ नहीं आ रहा था। ओके okay. तो मतलब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया हो, पार्टिसिपेट नहीं किया हो, तो वहां पे आपसे बोला नहीं जाता है, राइट? यस सर, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है सर काफी ज्यादा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक करते हैं वो लोग। और मैंने सुना है कि वही मेंबर बैठे होते हैं जो एक्चुअल में इंटरव्यू लेते हैं, वही मेंबर अंदर जीटी में भी बैठे होते हैं. यस सर, वही बैठे रहते हैं, हमारा जो इंटरव्यू जीटी के बाद जो इंटरव्यू हुआ वही सेम टू सेम मेंबर थे। यस तो जीटी में आपने बताया कि 8 लोग थे, जिसमें से 5 जो थे वो रिजेक्ट हो गए, 3 पास हो गए. तो मेंबर्स कितने थे अंदर जो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे? अराउंड 7 to 8 मेंबर थे, जिनमें 2 मैम थी बाकी मेल। तो ये करंट कितना देर मिलती है जीटी को पार्टिसिपेट करने के लिए? आपको जो डॉक्यूमेंट मिलता है, आपको जो जीटी मिलती है, वो पेज मिलता है, कितने पेजेस का होता है वो, और कितना टाइम मिलता है स्टार्ट करने से पहले उसको पढ़ने के लिए? सर हमें 2 पेजेस का मिला था, जिसमें से हमें 15 मिनट या 10 मिनट के आसपास तो हमें ये मिला था कि आप पढ़ लो, आपस के अंदर जो कंक्लूजन निकालना वो लिख लो, अपना नोट डाउन कर लो। फिर हमें मिलता है 20 मिनट डिस्कशन करने के लिए, लास्ट का 5 मिनट कंक्लूजन के लिए होता है ऑलरेडी, वो बीच में टोकते नहीं है सर कि आप कंक्लूजन करो या नहीं करो, हमें खुद डिसाइड करना होता है कि इस टाइम पे हमें कंक्लूजन करना है। और जो बंदा ये इनिशिएट करता है कि अभी कंक्लूजन करना चाहिए, उसका प्लस पॉइंट होता है। तो फिर तो कोई भी कभी भी कर देगा. तो कंक्लूजन कैसे करना है, ये कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि सपोज कोई सर पहले ही बोल दिया कि चलो. हमारा हुआ था सर ऐसा, हमारा क्या हुआ था कि 10 मिनट के बाद जैसे हमने 10 मिनट डिस्कशन किया तो मतलब 20 मिनट ही हुए थे हमारे, हमने बोल दिया था कि चलो कंक्लूजन करते हैं, तो मैम ने 20 मिनट टोक दिया कि अभी काफी टाइम है वो डिस्कशन कर लो, अगर सर ने बोला कि अगर आप कंक्लूज करना चाहते हो तो करने दो उनको, तो हमने वो डिस्कशन किया उस पर 5 मिनट, फिर उसके बाद कंक्लूड किया था हमने। अच्छा, जो शुरू में करंट क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो लोग, जैसे तुम लोग बैठते हो सारे लोग, तो शुरू में वो तुम्हें डॉक्यूमेंट देते हैं, और साथ में क्या इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं आपको? एक सर एक एचआर मैम होती है, तो वो हमें बताती है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है आपका लिखा हुआ है, आप जो भी टोन नोट डाउन करना चाहते हैं, आपको 10 मिनट आपको पढ़ने के लिए होते हैं, बाकी आपको 20 मिनट डिस्कशन करने कंक्लूजन के मिलते हैं, सिर्फ इतना ही बोलते हैं सर वो। अच्छा, और जो डॉक्यूमेंट है आपने बोला उसको पढ़ने के लिए आपको 10-1 मिनट मिल जाते हैं. अब स्टूडेंट को ये बताओ कि वो डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ना चाहिए. आपको पेन और पेपर भी देते हैं वो, या आपके पास होता है पहले से? सर ऑलरेडी हमें ले जाना होता है, मतलब ले जाना होता है, लेकिन वो बीच में ले लेते हैं बाद में जाके, अच्छा, और हमें अलग से पेन पेपर दिया था उन्होंने। हाँ आपको पेन एंड पेपर मिला और वो डॉक्यूमेंट मिला. सर, अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग होता था, हमारे में ऐसा हुआ था कि वो खुद दे दिए थे। अच्छा, तो फिर आपको जो डॉक्यूमेंट मिला उसको बेस्ट तरीका पढ़ने का क्या है करण? ये जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनको थोड़ा बताओ कि कैसे उसको पढ़ा जाए 10 मिनट में, क्योंकि सर मैंने तो बेस्ट दो पेज तरीका का तो काफी आपको ज्यादा होगा. परफेक्ट तो कोई नहीं होता सर, प्रैक्टिस से आता है वो सब, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी शुरू से और वो भी पढ़े, काफी सेशन लिए थे, तो मुझे पता था कि कौन से पॉइंट कहाँ नोट करने हैं, क्या कैच करना पॉइंट, है, तो मुझे आइडिया लग गया था उसका। यस सर, तो मतलब आपको वो कैच पॉइंट ढूंढने होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो ओवरऑल जिस्ट देख के फिर आपको बात करनी होती है और प्रैक्टिस आ जाती है वो. तो साइमल्टेनियसली काफी चीजें चल रही होती है उस टाइम पे, क्या नाम, अभी सर मैम भी देख रहे हैं, वो प्रेशर स्ट्रेस वाला माहौल होता है, तो आप बिना प्रैक्टिस के अगर वहां जाओगे तो आप मतलब कि बेकार जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे। अच्छा करण, एक और बात बताओ. हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं जो हिंदी में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूँ, हिंदी में कॉन्फिडेंट फील होते हैं करते हैं वो, तो क्या वहां पे जीटी, जीडी और इंटर को हिंदी में दिया जा सकता है? यस सर, वो अलाउ करते हैं, एक्चुअली वो प्रिफर भी करते हैं आपको कि हिंदी बोलना हो तो हम कंफर्टेबल हैं, और टेक्निकल वर्ड है सर वो तो इंग्लिश में यूज करते हैं, बाकी सारा हिंदी चलता है अगर आप यूज करना चाहते हो तो। मतलब दोनों का मिक्सचर किया जा सकता है. यस सर, इंग्लिश को वो नहीं करते, अवॉइड भी नहीं करते, हिंदी को भी प्रेफर करते हैं, मतलब ऐसा मान लो कि दोनों को जो बोलना चाहता है उसके हिसाब से रहते हैं लोग। अच्छा, अब जीटी जिनका पास हो जाता है, क्वालिफाई होता है, फिर वो इंटरव्यू में जाते हैं. यस सर, तो अब करण आप हमें बिल्कुल डिटेल में इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, यहां से लेके कि जब आप अंदर गए तो कितने लोग बैठे थे, आपने विश कैसे किया, और फिर कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, और सारा क्वेश्चन जो आपको याद है वो प्लीज हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि स्टूडेंट को वही सुनना होता है कि सब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं. सर जाते मैंने ऑलरेडी गेट खोलने के बाद मैकमेन बोला, बैठ जाके मैं बैठ गया वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ऑलरेडी बैठ जाइए आप, तो बैठ गया, उसके बाद मैंने सबको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी टाइम के हिसाब से होता है मैंने वो बोल दिया,
फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सबसे पहले पूछा कि आपको बताइए अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए, तो मैंने सारा इंट्रोडक्शन अपना बता दिया। उसके बाद वो थोड़ा टेक्निकल पे आ गए थे मेरे पे, मेरे से पहले एक लड़की गई थी वो अभी, तो उसको तो मतलब कि पूरा एचआर पार्ट पूछा था, तो हम ये सोच के गए थे हमें भी एचआर ही पूछेगा, तो मेरा थोड़ा टेक्निकल आ गए थे वो लोग। तो उन्होंने पूछा कि आप प्रोजेक्ट क्या किया आपने, इंटर्नशिप की, तो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि इंटर्नशिप कोविड के कारण हो नहीं पाई थी, तो बीटेक प्रोजेक्ट पे फोकस हो गए थे। मेरा बीटेक प्रोजेक्ट था कि एक रूम का डिजाइन करना था, उसे उसमें हीट ट्रांसफर देखना था अलग अलग मोड के अंदर कैसे होता है, और उसको कूल करने के लिए हम सस्टेनेबल मेथड कैसे अपना सकते हैं। तो उसमें काफी क्वेश्चन पूछते थे और वो कई क्वेश्चनों पे सर सेटिस्फाई भी नहीं थे मेरे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस था वो डाउन नहीं हुआ था, मैं ऑलरेडी अच्छे अच्छे जवाब दे रहा था। लास्ट में जाने से पहले मैम ने एक अच्छा सवाल पूछा था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा था कि आपके माता पिता क्या करते हैं, परिवार में कितने भाई बहन हैं। और जाने से पहले एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको दोबारा लाइफ में मौका मिले, आपने 3 साल वेस्ट कर दिए प्रिपरेशन में, तो आप इन 3 सालों में क्या करोगे? तो उसका मेरा बेस्ट जवाब था कि इन 3 सालों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कोई जॉब फाइंड आउट कर सकूं, ताकि जो मेरा जो वेस्टेज टाइम है इधर ना जा सके, तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं। तो शायद वो लास्ट का जवाब उनको काफी अच्छा लग गया था कि एक पॉजिटिव माइंडसेट तो है। अच्छा करण, मैंने सुना है कि वहां पे एचआर क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टेक्निकल उतने नहीं होते, क्या ये बात सही है? सही है सर, बिल्कुल सही है। अगर अगर आपको टेक्निकल पूछेंगे तो बीटेक प्रोजेक्ट पे पूछेंगे, और आपका जो इंटर्नशिप है इससे बाहर नहीं जाएंगे वो लोग। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज ऐसा कुछ नहीं करते हो? नहीं पूछते सर, सब्जेक्ट ही पूछते हैं तो ऊपर ऊपर से पूछते हैं। मेरे को वैसे पूछा था थर्मोडायनेमिक्स का कोई ऊपर ऊपर से, क्या ये साइकिल कैसे होता है, कितने साइकिल होते हैं, बस इतना ही पूछा था। इसके बाद नहीं, पूरे अचार पे वापस आ गए थे। अच्छा, एचपीसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे थे उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड? सर मेरे को ये पूछा था कि तो चेयरमैन और डायरेक्टर कौन है, उसके साथ साथ मेरे को ये पूछा था कि एफिशियल के कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा आइडिया है या नहीं है कैंडिडेट को जो आ रहा है। और उसके साथ बोला कि काम क्या को एक्चुअली आइडिया है या नहीं है, मतलब किस फील्ड के अंदर है, क्या अभी इसका मतलब मार्केट कैप क्या चल रहा है, कौन कौन से कंपिटेटर है, से इतने पूछे थे सर। एचपीसीएल के कौन कौन कंपटीटर हैं? कुछ यस सर, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पूछा करण, जैसे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं एचपीसीएल के, या किस चीज में मार्केट लीडर है, या बाकी कंपनियों के कंपैरिजन, ऐसा कुछ पूछा था आपसे? सर वो मेरे से नहीं पूछा था, लेकिन मैंने इंटरेक्शन किया था इंटरव्यू के बाद, किसी और बंदे से पूछा था उन्होंने। अच्छा, तो एचआर में टिपिकली वो जैसे एक फॉर्म भरवाते हैं आपसे, वो फॉर्म होता है जो आप भर के देते हैं, उनमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, मैंने सुना वो फॉर्म भी उनके पास होता है, तो क्या उसमें से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे वो आपसे? सर उसी में से काफी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। मेरा एक क्वेश्चन था उन्होंने कि आप 2021 में भी एचपीसीएल का एग्जाम दिए, 2022 में भी दिए, चलो 23 में तो आपको दिक्कत होगी थी, तो इसमें भी दे रहे हो, मतलब आपको 3 साल लग गए एचपीसीएल का रिटर्न क्लियर करने में, तो हम कैसे माने कि आप सुटेबल कैंडिडेट हो या नहीं हो? तो इसका मेरा एक ही आंसर था कि एक तो मेरा तो ये था कि मैंने काफी मिस्टेक की थी, और मेरा मेन फोकस वैसे गेट पे ही था, तो मिस्टेक से मैं काफी सीखता भी गया था, और मैंने हेल्थ इश्यू भी तो उनको बता दिया था, लेकिन वो मैटर नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता आपका हेल्थ हो तो वो अपना पर्सनल इश्यू है, वो तुम देखो। अच्छा, ओके, तो कन्विंस हुए थे उस आंसर से आपके? हाँ एक सर कन्विंस हुए थे, वो हाँ भी कर रहे थे, मतलब कि वो जो अच्छा, वाला मैंने उसमें पॉइंट दिया था ना कि मैंने काफी मिस्टेक की, उनसे काफी सीखा भी, मतलब नेक्स्ट टाइम मैंने इम्प्रूवमेंट की तरफ गया, तो इससे कुछ सहमत हो रहे थे वो लोग। अच्छा, उन्होंने आपकी आईआईटी जम्मू के बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चन पूछा? हाँ एक पूछा था सर कि आईआईटी जम्मू आपको किस्मत से मिला है या मतलब कि ऐसे ही, तो मैंने कह दिया कि सर मैकेनिकल वहीं मिल रहा था तो मैं वहीं चला गया। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, आप जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है करण, उसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो फिलोसॉफिकल हैं, कि आप एंड में अपने आप को कैसे देखते हो, या आपकी अपने आप को डिफाइन कैसे करते हो, बहुत सी चीजें हैं उसमें, जैसे आप एज अ पर्सन अपने आप को कैसे, स्ट्रेंथ वीकनेस, शायद वो भी चीजें मेंशन है उसके अंदर, उनमें से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस हॉबी, ऐसे इनमें से क्या पूछा गया था? ऐसा था कि मेरा जो फॉरम था उनमें से वो शायद सेटिस्फाई हो गए थे, क्योंकि मैंने जो पॉइंट डाले थे वो सब मतलब फैंसी वर्ड नहीं डाले थे कि मैं ये हूँ वो हूँ, जो एग्जैक्टली मैं हूँ वो एग्जैक्टली वही डाला था मैं, बाकी कई बंदों ने फैंसी वर्ड डाल रखे थे तो उनको काउंटर क्वेश्चन किए थे उनपे। मेरा जैसे आपने बताया कि आप एंड ऑफ द कहाँ देखना चाहते हो, तो मैंने सिंपली मेंशन किया था कि आई वॉन्ट टू बी टॉप ऑफ लेडर ऑफ द डायरेक्टर्स, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है जेन्युइन आंसर है, आपकी पर्सनलिटी कैसी है, तो मेरा सिंपल आंसर होता है पेशेंस है मेरे के अंदर,
टीम वर्किंग है, टीम स्पिरिट्स है मेरे अंदर, तो ये मतलब जेन्युइन वर्ड्स डाले थे, तो इनमें उनको कुछ ब्लंडर लगा नहीं। अगर आपको ब्लंडर, उनको लगता है कि ब्लंडर इसमें, तो उसमें से वो फोकस करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे उनसे ज्यादा ज्यादा। ओके अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको करण लगा हो कि आप फंस गए, ट्रैप हो गए, आपसे नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं आता था? था उनका वो बीटेक प्रोजेक्ट के पर काफी क्वेश्चन थे, तो उनमें से मेरे को लगा था कि भाई मैं ट्रैप हो चुका हूँ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सांत्वना दी कि भाई यहाँ ट्राई तो करो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा आंसर। तो मतलब कि ऐसा डिमोटिवेट पूरा करते नहीं वो लोग, लेकिन मैं उसी वजह से मेरा थोड़ा इंटरव्यू में मार्क्स कम भी आए थे, पर ठीक है, मेरा जीटी काफी अच्छा गया था, तो मैं क्वालिफाई कर चुका था। अच्छा, मेरे को अब ये बताइए कि आपने जो प्रोजेक्ट था अपना बीटेक का, वो इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया था कि उन्होंने अलग से आपसे पूछा था? सर मुझे अलग से पूछा था वो। अच्छा, बहुत सा बच्चा, आप इनफैक्ट 90% बच्चा ऐसा होता है जिसने प्रोजेक्ट सीरियसली किया नहीं होता है, और वो आके यही बोलता है कि साहब प्रोजेक्ट तो मैंने ढंग से किया नहीं, आप बताओ क्या करें? आपका क्या आंसर है उनको? ओके सर मैं उन्हीं उन्हीं कैंडिडेट्स में हूँ जिसने प्रोजेक्ट अच्छे से किया नहीं था, तो मेरा ये था कि अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छे किया नहीं, तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोजेक्ट था क्या और आपने किया क्या था, बस इतना ही था उन्हें। क्योंकि ये चीज ना हम भी ज्यादा हेल्प नहीं डेप्थ कर में जाते पाते, नहीं सर एचपीसीएल में। क्योंकि ये चीज हम भी हेल्प नहीं कर पाते करण बच्चों को, जब वो ये बोलते हैं कि सर मैंने प्रोजेक्ट ढंग से नहीं किया, तो ऑन योर पीडिया वी कांट हेल्प देम। व्हाई? बिकॉज प्रोजेक्ट तो आप ही को करना है, प्रोजेक्ट हम आपको वैसे भी नहीं कर सकते हेल्प। तो ऐसी सिचुएशन में फिर स्टूडेंट को, क्योंकि उसका टाइम होता है, तो उसको शुरू से ही मेरे को लगता है कि प्रोजेक्ट अपना थोड़ा सोचना स्टार्ट करना चाहिए कि साहब वो पूछेगा तो सही, ज्यादा डेप्थ में ना भी जाए लेकिन प्रोजेक्ट पूछेगा तो जरूर। सर जरूर पूछते हैं, अगर आपके पास 10 कैंडिडेट जाते हैं उनके पास, तो उनमें से 6-7 कैंडिडेट को श्योरली प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं वो लोग। अच्छा, पिछली बार जब आपकी सिलेक्शन हुई है एचपीसीएल में, तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी करण? अभी जो सर फिलहाल सिलेक्शन हो 57 सीट थी टोटल, अच्छा, और कुछ बच्चों का बाद मैकेनिकल में भी ऐड ब्रांच हुआ है शायद, की। सर कुछ हमारा स्टूडेंट्स यह का था बाद कि में भी। पहले कई बंदों का इंटरव्यू ले चुके थे, फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ बंदों के मार्क्स बढ़ाए थे उन्होंने, तो बाद में भी इंटरव्यू उन्होंने कई बंदों के कंडक्ट किए थे, तो कैंडिडेट काफी हो गए थे, मतलब कि अराउंड 90+ हो चुके थे, तो उनको सेलेक्ट 57 ही करना था, तो उनमें मेरा हो चुका था। ओके अच्छा, मेरे को ये बताइए, इस बार तो 93 बच्चों को एडवर्टाइज किया है एचपीसीएल ने, बहुत बड़ा नंबर है, तो क्या यस एडवाइस सर करेंगे आप बच्चों को? 93 तो बहुत बड़ा नंबर है मेरे ख्याल से, जब से एचपीसीएल एग्जाम कर रहा है, 93 मैकेनिकल 93 बहुत अच्छा नंबर है। काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो आप। इतना ज्यादा हार्ड है नहीं एचबीसीएल, वो सिर्फ फोकस करना होता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैंने तो यही सीखा है, मेरा फोकस था भी नहीं एचबीसीएल पर, मेरे गेट की तरफ ध्यान था। अच्छा, कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि करण भैया आप कैसे तैयारी करते थे, कितने घंटे देते थे, हर दिन कितने घंटे एचपीसीएल पढ़ते थे, टेक्निकल कितना पढ़ते थे, नॉन टेक्निकल कितना पढ़ते थे, इसका क्या आंसर करेंगे आप? सर मेरा नॉन टेक्निकल, मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं इंग्लिश के लिए स्पेशल अलग से टाइम निकालता था शाम को, मतलब 1-2 घंटा उसी के लिए रहता था, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बाकी मेरा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, वो मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था, और मैं बीच बीच में उसकी प्रैक्टिस भी करता रहता था, एचपीसीएल के जो मॉक टेस्ट वो सब देख के। और डोमेन वाला जो पार्ट है टेक्निकल पार्ट, उसका मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मैं गेट की प्रिपरेशन के बेसिस पे नोट्स बने हुए थे, उन्हीं पर ध्यान देता था। तो मतलब वैसे भी अगर ये क्वेश्चन को स्टूडेंट पूछे कि मैं डेली कितना घंटे पढ़ूं, वैसे तो मोर द बेटर, लेकिन आपको क्या लगता है कितना कर घंटों की तैयारी से एचपीसीएल 3-4 महीने में हो जाना चाहिए? सर मैं लास्ट 1 ईयर से मतलब 4 to 5 आवर ही पढ़ता था, इससे ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि मोर यूटिलाइजेशन उन 4 to 5 आवर में हो जाता था मेरा, बाद में 1 घंटे का काम मेरा 2 घंटे में होता था, तो मैं इतना पढ़ता नहीं था बाद में। चलिए, तो अब आपका करण आ गया है, ज्वाइनिंग आ गया है, क्या है, सर आ गया है अभी 5-6 तारीख को ज्वाइनिंग है पुणे छह महाराष्ट्र जुलाई में। को 6 जुलाई को यस सर तो पहले ट्रेनिंग होता है या प्रोफाइल मिल जाता है कि मार्केटिंग या रिफाइनरी, नहीं क्या होता सर है? सर पहले ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के अंदर आप हमारे इस बार 5 वीक का ट्रेनिंग है, तो फर्स्ट वीक इंट्रोडक्शन है, 2 वीक के अंदर बीच में आपको कुछ सिखाया जाता है, उसके बाद एसपीयू ट्रेनिंग होती है, स्पेसिफिक आपको लोकेशन पर ले जाया जाएगा। अच्छा, आप अनम्यूट कीजिए करण, आपका म्यूट हो गया है, करण अनम्यूट कीजिए। तो सर कैन यू हियर मी? हाँ, तो करंट ट्रेनिंग हाँ कहाँ पे हो रही है सर, आपकी? सर पुणे में हो रही है इस बार, सेंडीपेटी अच्छा, होम टेल के अंदर। तो आप बता रहे थे कि 5 वीक की है, कहाँ कहाँ पे वो पार्ट मिस हो गया?
सर फर्स्ट वीक तो इंट्रोडक्शन का ही होता है, सेकंड वीक में अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड जो उनका जो कल्चर वगैरह वो सिखाया जाता है 2 वीक के अंदर। फिर जो लास्ट वीक होता है एसबीयू ट्रेनिंग होता है, मतलब स्पेसिफिक आपकी जो लोकेशन है जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ ले जाके आपको विजिट करवाया जाता है। अच्छा, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको कहाँ भेजना है। सर वो लास्ट 2 वीक से पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि वो आपकी क्विजेज वगैरह, हमको जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि आपके जो क्विज वगैरह असाइनमेंट वगैरह होंगे उसके वजह से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। और मोस्टली केमिकल वालों को रिफाइनरी प्लस मार्केटिंग दो फील्ड में आता है ये बताया गया था, बाकी और फील्ड का कहीं भी आ सकता है, मैकेनिकल का मोस्टली मार्केटिंग में जाएगा। मोस्टली मार्केटिंग। यस सर। चलिए, तो करण, मेरे को जितना पूछना था और जो मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था मैं ले लिया। कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को दें जो तैयारी कर रहे हैं एचपीसीएल की, क्योंकि अभी एग्जाम आ गया है और आपका वीडियो पब्लिश होगा तब बच्चे तैयारी कर रहे होंगे इस अपकमिंग एग्जाम का, और हमें एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर नवंबर में शायद एग्जाम हो जाए। 93 सीट्स है मैकेनिकल के लिए। आपका कोई मैसेज बच्चों के लिए, मोटिवेशनल मैसेज? सर मैसेज मेरा ये है कि पिछली बार से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार 57 सीट की अब 93 हो चुकी है, तो मतलब ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए और पेशेंस और प्रैक्टिस लगातार आपको करनी चाहिए। बस मेरा तो यही था मोटिव, सिंपल लाइफ थी, 4-5 घंटे पढ़ता था और कंटिन्यूस पढ़ता था, परसिवरेंस काफ़ी थी मेरे में। चलिए, वो दिख भी रही है परसिवियरेंस, और बहुत अच्छा है, और उसका रिजल्ट भी आया है करण। नॉट ओनली यू गॉट वन महारत्न कंपनी, बट जो आपने रैंक बताया गेट का इस बार का, उसमें और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। तो हम आपको ऑल द बेस्ट फ्रॉम अवर साइड करण, आप जहां भी जाएं बहुत सक्सेसफुल रहें, और साथ में थैंक्स फॉर दिस टाइम, जो संडे मॉर्निंग को आपने टाइम स्पेयर किया इस इंटरेक्शन के लिए, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। थैंक यू करण। थैंक यू सर।